हेलो दोस्तों, फर्स्ट ईयर एग्ज़ाम फॉर्म भरने की लास्ट डेट को आगे बढ़ा दिया गया है। अब आप 18 नवंबर तक अपना फॉर्म फिल कर पाएंगे। कल भी हमने वीडियो में डिस्कशन किया था कि लगभग 2500 के लगभग स्टूडेंट्स ने अभी तक अपना एग्ज़ाम फॉर्म फिल नहीं किया है, तो ऐसे में आपके फॉर्म की लास्ट डेट को बढ़ाया गया है और अब 18 नवंबर तक आप फॉर्म फिल कर पाएंगे। साथ में ही कॉलेज में जो जमा करवाना है हार्ड कॉपी फॉर्म की और फीस जो जमा करवानी है वो सारा काम 18 नवंबर तक आप कर पाएंगे। अब ऐसे में सवाल आता है कि हमारा एडमिट कार्ड कब आएगा, क्योंकि पहले तो 17-18 नवंबर तक एडमिट कार्ड आने का जो टाइम टेबल आया था उसमें अपडेट थी कि 17 या 18 को आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा, पर यहाँ पर जो डेट्स बढ़ाई है इससे क्या ये इफेक्ट होगा, कितना क्या इफेक्ट होगा। तो आपका जो अब एडमिट कार्ड है वो लगभग 20 नवंबर तक जारी होएगा और फिर 21-22 से आपकी एग्जाम शुरू हो, तो फिर 21 को तो आपको कॉलेज जाकर के उसको वेरिफिकेशन करवाना पड़ेगा, उसके ऊपर मोहर सिग्नेचर वगैरह वो सारी प्रोसेस रहेगी। और यहाँ पर आप देख रहे हैं शेड्यूल में भी अपडेट इधर हो गया है कि सारी जो प्रोसेस है वो 18 नवंबर तक आपकी अब चलने वाली है। तो अगर आपके किसी दोस्त ने अभी तक फॉर्म फिल नहीं किया है तो उसको ज़रूर से इन्फॉर्म कीजिएगा कि फॉर्म जल्दी फिल कर दें। इसके अलावा आप ये देखिए कि आज के न्यूज़पेपर में भी ये अपडेट आई है कि डीएलएड प्रथम वर्ष के आवेदन अब 18 नवंबर तक कर पाएंगे और मुख्य परीक्षाएं आपकी 22 नवंबर से शुरू होने वाली है, जिनको लेकर के चैनल पर लगातार क्लासेस आपके लिए लाई जा रही हैं। क्लासेस से आपकी तैयारी कैसी क्या हो पा रही है कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा। 3 पेपर के कंप्लीट डिटेल में नोट्स वीडियोस हमने अपडेट कर दिए हैं और बाकी पेपर्स भी आपके लिए डाल दिए जाएंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के कमेंट देखने को मिल रहे थे कि आप एक दिन में एक पेपर डाल करके जल्दी जल्दी सिलेबस कवर करवाइए, तो वो सारी चीज़ें भी हैं दोस्तों। पर आप ये देखिए कि एक वीडियो जब रिकॉर्ड होता है फिर उसके बाद में उसकी एडिटिंग होती है, फिर वो एक्सपोर्ट होकर के फिर यूट्यूब पर अपलोड होने के लिए आता है, तो काफ़ी एक लंबी प्रोसेस हो जाती है। ज़्यादा कुछ जल्दबाजी करना ठीक नहीं है, पर आप ये मानिए कि आपकी एग्जाम तैयारी अच्छे से करवा देने वाले हैं। सारे जो नोट्स वीडियोज़ हैं पहले से भी चैनल पर अवेलेबल हैं, पिछले साल के आप सर्च करेंगे मैराथन क्लासेस भी, हाँ ये बात मैं भूल गया था पिछले वीडियोस में कि मैराथन क्लास भी चैनल पर अवेलेबल है। आप सर्च करना ऊपर से BSTC फर्स्ट ईयर फर्स्ट पेपर मैराथन क्लास तो आपको वीडियो मिल जाएगा, सेकंड पेपर मैराथन क्लास तो वो सारे वीडियोस अपने चैनल के मिल जाएंगे, तो उनसे भी आप प्रिपरेशन कर सकते हैं कम समय में पूरा पेपर रिवाइज करके। सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं वो सारी चीज़ें भी आप रिवाइज कर पाएंगे। और इसके साथ में ही आपको एक बात और जान लेनी है कि अपना एक नया चैनल है मेरे नाम से ही और उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। नए जो वीडियोज़ हैं एक एक मैराथन क्लास उधर भी आने वाली है और कुछ मॉडल पेपर्स भी अपन डिस्कशन करेंगे, तो उसको भी आप सब्सक्राइब करके रखें ताकि एग्जाम तैयारी में आपकी कुछ मदद हो सके। उसके अलावा रीट को लेकर के भी अपडेट आई है कि उपचुनाव हो गए हैं और अब बोर्ड को जल्दी ही मिल सकता है नोडल एजेंसी का अधिकृत लेटर और फिर उसके बाद में आपके फॉर्म प्रक्रिया वगैरह वो सारी चीज़ें शुरू हो जाएंगी और चांसेस हैं कि 1 दिसंबर से आपके आवेदन फॉर्म शुरू होंगे रीट के और ये पूरे दिसंबर महीने चलने वाले हैं, फिर उसी बीच में आपका रिजल्ट भी जारी करने की बातें आ रही हैं। ये सोच के मुझे थोड़ा सा यहाँ पर गड़बड़ लगा मामला कि यार जब पंजीयक विभाग 5-5, 7-7 महीने में रिजल्ट नहीं निकाल पाता है 25,000 लगभग स्टूडेंट्स का, तो वो 10 दिन में क्या ही रिजल्ट निकाल देगा, क्या ही कॉपियाँ चेक कर लेगा। तो ये थोड़ी सोचने वाली बात है कि कौन सी अमेरिका से टीम बुलाने वाले हैं कॉपी चेक करने के लिए। तो वो सारा काम सिस्टम से है कि जब यार आपसे 5-7 महीने में ही कॉपियां चेक होकर के रिजल्ट ढंग से नहीं निकाल पा रहे हो, पिछले साल वालों का जिनका रिजल्ट आया है अभी कुछ पढ़ते गुड़ते कुछ काफ़ी कई बैग रह गया कुछ लफड़ा है उनके, और रिजल्ट आने के बाद में अभी तक भी उनकी मार्कशीट नहीं आई है कॉलेज में, तो वो सारा काम अटका पड़ा है। तो ये कुछ समझ से बाहर है कि 5-10 दिन में ही कैसे रिजल्ट निकाल देंगे जब 30 नवंबर को एग्जाम खत्म होगी और फिर आपके 1 दिसंबर से फॉर्म रीट के शुरू हो जाने वाले हैं। तो 1 दिसंबर से 30 दिसंबर का मतलब है कि 10-20 दिन में ही रिजल्ट निकालेंगे, तो ये कैसे क्या निकालेंगे ये थोड़ी सोचने वाली बात रहेगी। देखते हैं क्या होता है, इससे जुड़ी अपडेट्स जैसे आएगी आपके साथ में शेयर करेंगे। पहली बात तो आप अपनी परीक्षा तैयारियों पर ध्यान दीजिए, पेपर बिल्कुल भी खाली छोड़कर के नहीं आना है, कॉपी में कैसे लिखना है और बाकी सारी चीज़ें कैसे क्या ध्यान में रखनी है वो अपन आगे एक वीडियो में डिस्कशन कर लेंगे। पर पहले भी बता देता हूँ कि आपको कॉपी बिल्कुल खाली नहीं छोड़नी है, सारे जो प्रश्न 20-25% जितने भी आपके पेपर में आए किसी भी पेपर में तो वो सारे अटेम्प्ट कीजिएगा, क्वेश्चन से रिलेटेड लिखने का कोशिश करिएगा। जैसे मान लो जेंडरीकरण का प्रश्न है तो जेंडरीकरण के बारे में आपको बेसिक चीज़ें पता है कि स्त्री और पुरुष में भेदभाव समाज में, पुरुष प्रधान अपना समाज है, बाकी सारी चीज़ें भी कैसे पढ़ाई में भेदभाव होता है, बाकी संस्कृति में कैसे भेदभाव है, तो वो सारी चीज़ें आपको बेसिक पता है। अगर प्रश्न आपको जेंडरीकरण के बारे में कुछ पूछ रहा है और आपको वो प्रश्न एक्चुअल में नहीं आ रहा है तो उससे रिलेटेड आप लिख सकते हैं स्त्री पुरुष में भेदभाव किस तरह से लिंग का निर्धारण वो जन्म होते ही हो जाता है, फिर उसी के अनुसार समाज उसके कामों को बांट देता है, तो वो सारी चीज़ें आप ईजिली मैनेज कर पाएंगे क्योंकि आपने पहले से पढ़ते हुए आ रहे हैं, तो कोई दिक्कत समस्या नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल प्रश्न जो पूछ रहा है वही सटीक उत्तर ही अपने को आता होगा तो ही करेंगे, अगर रिलेटेड प्रश्न से आ रहा है तब भी आपको पूरा आंसर लिखने की कोशिश करनी है, और निबंधात्मक है तो 2-4 पेज भर देने हैं, छोटा प्रश्न है तो फिर थोड़ा सा आपको उत्तर देकर के सारे प्रश्न जरूर से कर देने हैं, और बाकी अपन कॉपी में कैसे लिखना है उस बारे में भी एक वीडियो डिस्कशन करेंगे, तो कोई दिक्कत समस्या नहीं होगी। क्लासेस के जो वीडियोज आ रहे हैं उनको प्लेलिस्ट से चेकआउट करते रहिएगा, और बाकी कोई दिक्कत समस्या रहे तो आप मेरे पास मैसेज कर सकते हैं टेलीग्राम पे, तो उधर अपन बात कर लेंगे कोई भी डाउट समस्या रहती है। तो
अपनी तैयारी आप मज़े से करिए, थोड़ा सा टाइम टेबल ठीक शेड्यूल बना करके करिए। जैसे एडमिट कार्ड जारी होता है या उससे जुड़ी कोई और अपडेट्स आती है तो आपके साथ में जरूर शेयर करेंगे। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियोज़ के लिए, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।